सरकारी पेंशन को कहें बाय बाय टाटा, अपनी पेंशन स्वयं बनाएं और निश्चिंत जीवन जिएं। और इसे समझने के लिए हम कुछ डाटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। मान लेते हैं किसी व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है और वह SIP में 500 रुपये निवेश करता है। समय मान लेते हैं 30 वर्ष है। ग्रोथ रेट अगर 15% का मान लिया जाए तो कुल जमा राशि 180,000 रुपये 30 वर्षों में जमा होगी, जिसका मूल 30 वर्ष के बाद 28,20,000 रुपये होगा। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड ले रहे हैं, जिसमें से पहला म्यूचुअल फंड ICICI प्रोटेंशियल इक्विटी एंड डेप्ट फंड है, जिसने 2014 से लेकर 2024 तक 18.7% का रिटर्न दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे म्यूचुअल फंड की, जो निपोन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, जिसने 2014 से लेकर 2024 तक 28.25% का रिटर्न दिया है, जो एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जा सकता है। यह दोनों म्यूचुअल फंड केवल एग्जाम्पल के लिए लिए गए हैं, हम किसी भी प्रकार के निवेश की सलाह नहीं दे रहे हैं। आइए अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि SIP के माध्यम से किस प्रकार हमें 15,000 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी और स्वैप में हमें यह अमाउंट कहाँ से मिलेगा। इसे जानने के लिए हम देखते हैं कि प्रतिमाह जो राशि निकाली जाएगी वो हमें लगभग 15,000 रुपये की निकासी होगी, ठीक है। स्वैप में हम अमाउंट जमा करेंगे 28,20,000 रुपये। यह राशि कहाँ से मिलेगी? जो हमने SIP चलाई है, SIP की है, उसमें 28,20,000 रुपये टोटल वैल्यू हो गई। ग्रोथ रेट अगर 6% का मान लें, जो FD का इंटरेस्ट अभी वर्तमान में चल रहा है उसके अनुसार, इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा। समय रहेगा 20 वर्ष तक हमें इसकी निकासी करनी है 15,000 रुपये प्रतिमाह की। आयु होगी 60 वर्ष से प्रारंभ हो जाएगी हमारी 15,000 रुपये की निकासी, ठीक है। कुल निकाली गई राशि होगी 20 साल में 36,00,000 रुपये। जब हमारी आयु 80 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तो जो हमने राशि निकाली है उसे निकालने के बाद हमारे पास 32,99,000 रुपये बैलेंस में रहेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी कुछ और तब तो हम इस वीडियो में बता रहे हैं, कुछ एग्जांपल से SIP समझते हैं कि कैसे अमाउंट बनेगा। ये रहा SIP का कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर से हम ICICI म्यूचुअल फंड के अनुसार 500 रुपये मंथली SIP पर 30 वर्ष के लिए निवेश करेंगे, 18% का हमें रिटर्न मिलेगा, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड अमाउंट लगभग 51,99,000 रुपये होगा। अब SIP कैलकुलेटर पर निपुण इंडिया के म्यूचुअल फंड में हम 500 रुपये की SIP करेंगे, 30 वर्ष के लिए ही करेंगे, जिसमें 28% का रिटर्न दिया गया है। इसके अनुसार एक्सपेक्टेड अमाउंट 4,38,00,000 रुपये बनेगा। इस हिसाब से हम स्वैप में जो अमाउंट जमा करेंगे उसके अनुसार हमारी पेंशन लगभग 4 गुना अधिक हो सकती है। यदि हम SIP पर 20% का रिटर्न मानकर चलें तो हमारे पास 30 साल के बाद 78,30,000 रुपये होंगे, जो हम स्वैप में जमा करेंगे और उससे 30,000 रुपये प्रतिमाह निकासी करेंगे और 20 वर्ष तक लगातार निकासी करेंगे। और यदि इस पर 6% का FD रिटर्न मान लिया जाए तो हम 20 साल में लगभग 72,00,000 रुपये की निकासी करेंगे और इसके बाद 1,15,00,000 रुपये हमारे पास शेष बचेंगे। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।